हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ फिर से एक वीडियो के साथ और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे। तो देखिए दोस्तों, ये उस दिन के मतलब कल के शाम का ही क्लिप है और उस दिन जो मम्मी जो भी ये चिप्स वगैरह लाई थी तो हम लोगों ने तुरंत ही फ्राई कर लिया था। पापा आए थे तो उनके लिए चाय बन रही थी, आप देख सकते हो बगल में, तो फिर हम लोगों ने चिप्स भी फ्राई कर लिया था और ये मेरे से चिप्स अच्छे से फूल नहीं रही थी। आप देख सकते हो मैं कैसे कैसे मतलब टेढ़े मेढ़े तरीके से इसको कर रही थी, तो फिर मम्मी ने ले लिया और मम्मी फिर फ्राई करने लगी तो मम्मी ने बहुत अच्छे से फ्राई किया और ये देखिए चाय और चिप्स बन के हो गए रेडी। और दोस्तों ऊपर आ गई थी मैं, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मेरी मैगी बन गई है। ये बहुत ही सिंपल मैगी थी, मैं शाम को थोड़ा सा मन अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सोची खा लूँ। और यहाँ देखिए मशीन में मैंने अपने एक कपड़े डाले हैं, बस एक कपड़े। तो मम्मी गुस्सा भी हो रही थी कि तुम एक कपड़ा क्यों धोती हो, तो एक एक्स्ट्रा स्वेट शर्ट मैंने डाल दिया था। और आप देख सकते हो ये रात के 7 बजे का क्लिप है और 7 बजे पूरी तरह अंधेरा हो गया था, घर में संध्या भी हो चुकी थी। और फिर देखिए मम्मी ने गुस्से में फिर और भी कपड़े पापा के ला के दे दिए कि इतना सारा सर्फ डाल दियो, ये कर दियो, तो पापा का भी डाल दो। तो पापा का धोने के बाद मैंने अपने जो भी स्वेट शर्ट और ये चीटर वगैरह था तो ये मैं धो दे रही थी। और देखिए मैंने सारे कपड़े रात में ही पसार दिए, तो सब लोग बोल रहे थे रात में मत करो, फिर मैं सोची कहाँ रखूँगी, तो रात में ही मैंने डाल दिया था यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत सारे पटाखे भी फूट रहे थे और रात को इतना काम करने के बाद मेरी हालत ऑब्वियस पस्त थी, तो मैं थोड़ा लेट उठी, लेकिन मैंने योगा वगैरह सब टाइम से कर लिया। अभी ज़्यादा नहीं, 9 बजे का टाइम हो रहा है और आप देख सकते हो मैं आज ये शर्ट पहनी हुई हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे जाना है मम्मी को लेके डॉक्टर के यहाँ पे, मम्मी के आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो मैं उनको दिखा दूंगी, तो इसलिए मैं सोची कि मैं शर्ट वगैरह पहन लेती हूँ, बस जाने टाइम जीन्स वगैरह डाल लूंगी। और चलिए फ्रेंड्स नीचे अब, क्योंकि अब मुझे करना है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों यहाँ मैंने कट कर लिया अपने सारे वेजिटेबल्स और मैं ब्रेकफास्ट में यही लेती हूँ अक्सर। तो मैं यहाँ देखिए तावा चढ़ा दी थी और मम्मी साइड में कर रही थी अपना काम, तो तावे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, आप देख सक रहे हो, जैसे कि ये गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। फिर देखिए मम्मी यहाँ बेसन की बरी बनाने के लिए सब कुछ रेडी कर चुकी थी और देखिए ये तवा पे तेल गर्म हो गया, तो मैंने सारे वेजिटेबल्स टमाटर शिमला मिर्च चुकंदर गाजर सब डाल दिए थे। उसके बाद मैंने कैबेज को भी कट कर लिया, वो मैं भूल गई थी, तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको कट कर लिया, फिर मैं इसको भी ऐड कर दूंगी। और उसके बाद देखिए मम्मी यहाँ बना रही है बेसन की फुलौरी। आज मुझे कढ़ी चावल खाने का मन था तो मम्मी को मैंने बोल दिया था, तो वो कढ़ी चावल रेडी कर रही थी। और यहाँ देखिए मैं अपने वेजिटेबल्स देखिए फ्रेंड्स, हमारी बरी कितनी अच्छी बन रही है, एकदम गोल गोल सुंदर सुंदर, ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और इधर पक रहे हैं मेरे ये जो भी वेजिटेबल्स हैं और ये सब मैं अभी नाश्ता करूंगी मम्मी ये बनाने के बाद, फिर हम लोग निकलेंगे डॉक्टर के यहाँ। मम्मी की आँख में आप देख सकते हो प्रॉब्लम हो रहा है, पूरी आँखें सूज गई है, तो वही दिखाना है हम लोगों को कि क्या प्रॉब्लम है नहीं है। देखिए ये मम्मी की फुलौरियाँ सब छका गई थी और मेरे भी ब्रेड सेक रहे थे। नाश्ते मेरे रेडी हो गए हैं और यहाँ रिमली भी हो रही है रेडी, और कैमरा मैनेज करना हो रहा है मुश्किल, अकेले कैमरा शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अभी मैं बैठ के करूँगी अपना ब्रेकफास्ट कम्प्लीट। यहाँ पे मैंने सॉस ये सब वेजिटेबल्स ब्रेड ले लिया है और अब मैं फटाफट खाऊंगी। और यहाँ देखिए कढ़ी बिल्कुल बनके हो गई है रेडी, ये मम्मी ने किया है रेडी। और इधर मम्मी बना रही है सूजी का हलवा दादी के लिए, क्योंकि दादी के दांत में दर्द था तो मम्मी बोली वो हलवा खाएगी तो उन्हें आराम मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मैं अब कढ़ी में लगाऊंगी तड़का, ये मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। तो यहाँ मैंने सूतगी ले लिया था, उसमें 4-5 लाल मिर्च मैंने डाल के और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए मैंने डाल दिया था। अब मैं इसको मिक्स करूंगी कढ़ी में, जैसा कि आपने देखा इसको मैंने डाल दिया था, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा, मेरे जो भी फ्लावर्स वगैरह मैंने धो के रखे थे सब देखे नीचे गिर गए हैं सारे। अब ये सबको अच्छे से मैं अरेंज करूँगी, फिर उसको डेकोरेट करूँगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि अच्छा लग रहा है। तो हो गई हूँ मैं रेडी और मैंने कपड़ा वपड़ा सब मतलब चेंज कर लिया और मम्मी भी हो गई है रेडी। अब वो जा रही है कुछ पैसे वगैरह रखने और पैसे रखने के बाद जो उसकी दवाइयाँ हैं वो बीपी वगैरह की वो खा लेगी, और अभी वो निकाल रही है पैसे वगैरह। और फिर दादी का नाश्ता भी हम लोगों ने रख दिया है कि वो ऊपर से आएंगी तो खा लेंगी, दादी का भी नाश्ता यहाँ पर रख दिया गया है और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पे दादी को बोलने के लिए कि हम लोग जा रहे हैं तो मैं बोल देती हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों मैं और मम्मी निकल गए हैं, मम्मी भी कुछ पन्ने में ले रही है, फटाफट चल रही है। और ये देखिए दोस्तों मेरे गली का मतलब चौक का रास्ता पूरा बन रहा है, तो आधे रोड बन गए थे आधे रोड रह गए थे। फिर हम लोगों को ऑटो मिल गया था फ्रेंड, तो फिर हम और मम्मी दोनों ऑटो पर बैठ के देख सकते हो आप कि जा रहे थे। और यहाँ पहुँच गए हम लोग डॉक्टर के यहाँ, यहाँ पे आँख के डॉक्टर और फिजिशियन दोनों रहते हैं, ये काफ़ी बेस्ट डॉक्टर हैं फ्रेंड। और मैं 13 साल से अपना ट्रीटमेंट यहीं पे कराती हूँ, अपने आँख का टेस्ट वगैरह सब कुछ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं,
यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों कर रहे हैं वेट कि कब हमारा नंबर आएगा। तो नंबर तुरंत ही आ गया, देखिए मम्मी तुरंत ही जाके बैठ गई थी। और यहाँ पे मम्मी का फर्स्ट चेकअप हो रहा था, यहाँ पे तीन चार चेकअप होते हैं, तो ये मम्मी का फर्स्ट चेकअप हो रहा था। तो यहाँ पे मम्मी अपना आंसर कर रही थी, फिर हम लोगों ने थोड़ा वेट किया, फिर इस रूम में मम्मी का चेकअप आप देख सक रहे हो यहाँ पे हो रहा है। तो ये सेकेंड चेकअप था, यहाँ पे मम्मी का दो टेस्ट हुआ, एक इधर साइड में, एक उधर जो आपको मैं दिखा रही हूँ, एक इधर भी मम्मी का टेस्ट हुआ था। तो इसके बाद फिर हम लोग चले थे चौथे टेस्ट की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हो मम्मी का चौथा टेस्ट हो रहा है। ये लेंस वाले डॉक्टर थे, तो ये मतलब पावर या क्या चेक करते हैं मुझे इतना कन्फर्म नहीं, लेकिन ये लेंस वगैरह को लेकर एक्सपर्ट है। तो ये यहीं पे मम्मी का फिर से चेकअप हो रहा था, और मम्मी को थोड़ा सा नज़दीक का पढ़ने में इशू है, तो वो सब यहाँ पे चेक कर रहे थे वो डॉक्टर, आप देख सकते हो पढ़ने दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स डॉक्टर को दिखा के हम लोग आ गए थे दवाई लेने के लिए। मेन डॉक्टर के पास का मैंने क्लिप नहीं लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने मेडिसिन ले लिया था मम्मी का। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखे फ्रेंड्स हम लोग निकल गए थे, और यहाँ पे नानी भी हमारा वेट कर रही थी, हमारी नानी का भी मेरे पास में ही 2 मिनट की दूरी पे। तो देख सकते हैं मैं और दोस्तों हम लोग मम्मी को दिखा के निकल गए, लेकिन यहाँ एक भी ऑटो नहीं आ रहा। हम लोग ऑटो के इंतजार में खड़े हैं, पर एक भी ऑटो अभी मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो फिर मैं और मम्मी चलते जाऊँगी। यहाँ पे नानी भी हम लोग से मिलने आ गई थी, आप देख सकते हो नानी और मम्मी एक दूसरे से सड़क पे ही बात कर रही है। तो नानी भी आ गई थी मम्मी से मिलने के लिए, और आई थिंक ऑटो एक आ रहा है, हम लोग फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों को टोटो मिल गया, और ये पूरा खाली मिला, जो भी आ रहा था भरा भरा, बहुत देर वेट किया हम लोगों ने, तो फिर ये ऑटो मिल गया। अब हम लोग चल रहे हैं घर, और देखिए घर पहुँचने के बाद मैंने सारी दवाइयाँ निकाली थी मम्मी की, ताकि मैं उसे एक एक करके सारी दवाइयाँ दे दूँ। और यहाँ मैं आ गई थी किचन लेने खाना, मैंने जो भी सब्जी कढ़ी चावल बना था, तो चावल तो नहीं पर कढ़ी मैं गर्म करने के लिए चढ़ा दी थी, आप देख सकते हो एकदम धुआं धुआं निकल रहा। तो ये गर्म गर्म खाना मुझे बहुत पसंद है। और देखिए मैं अपना खाना लेके जा रही थी टीवी वाले रूम, और मैंने चावल थोड़ी सा ही लिया, पर मैं कढ़ी भर भर के ली थी, भर भर के, और यहाँ बैठ के देख रही थी मैं अक्षरा सीरियल। और मिर्ची मैंने देखी कितनी ली थी, और मैं खाना भी स्टार्ट कर दी थी, पर जब मैं खा रही थी फ्रेंड्स मैं सच बता रही हूँ मिर्ची ऑलरेडी कढ़ी में बहुत ज़्यादा थी, फिर मैंने छौंका भी लगा दिया था, तो मैंने ग्रीन चिली फिर हटा दिया, मैं नहीं खा रही थी क्योंकि मुझे दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर लिया है अपना खाना, आप देख सकते हो। और मैंने जो वो एक्स्ट्रा मिर्चियाँ भर भर के ली थी वो मैंने निकाल दी, क्योंकि ग्रेवी में बहुत ज़्यादा स्पाइस था, तो मैं और मैंने सब्जियाँ को आके गर्म कर ली थी, तो वो बहुत मज़ा आ गया कढ़ी चावल खा के, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। मैं चावल कम ही ली थी क्योंकि जैसा कि आप जानते हो मैं थोड़ा सा योगा वगैरह करती हूँ, तो इसलिए, पर सब्जी के साथ खा के बड़ा मज़ा आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ करती हूँ मैं अपने वीडियो को एंड, कल मिलूंगी आप लोग से फिर से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, एंड मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।